हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। प्रिंस ऑफ यान लूजन के द्वारा मिलता है, वो बोल रहा था कि हम सेम ग्रुप में भी हो सकते हैं, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना, ये फेट है कि हम द्वारा द्वारा मिल रहे हैं। लूजन बोलता है मैं हम दोनों के बीच में जो फाइट होने वाली है उसके लिए वेट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 186 की स्टार्टिंग होती है, वहां पे एक इंसान आ जाता है, बोलते चुप हो जाओ, क्या मैं शांत प्लेस को पा सकता हूं यहां पे? जो ट्रायल है ब्लैक आयरन के लिए वो जल्दी स्टार्ट होगा। ये जो ट्रायल है ये सिंपल है, तुम सभी एरेना में एंटर करोगे और तुम्हारा जो ग्रुप होगा वो 30 पीपल का होगा। हर एक पार्टिसिपेंट जो होगा वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है अपने ओपोनेंट्स को पुश करने के लिए। जो रेड सर्कल है उसके बाहर जो लास्ट 3 होंगे सर्कल में वो विनर्स होंगे। फिर एक जो एल्डर होता है या फिर गार्ड होता है वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है, और जो रेड लाइन होती है उससे एक ग्लो टाइप बार की तरफ निकल रहा होता है, वो कवर कर रहा होता है और उस रिंग को। जो पहले वाला रेफरी होता है वो बोलता है ये याद रखना, तुम फाइट कर सकते हो एरेना में पर तुम मार नहीं सकते किसी को भी, जो भी इस रूल को ब्रेक करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। जो फर्स्ट राउंड है फिर वो नाम बोलना स्टार्ट करता है, चेन जिवानवू जांगशू, लुजंग सुन रहा होता है, वो बोलता है एल्डर की जो लास्ट पर्सन वो मैंकी है। लुजंग सोच रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है की मैं फर्स्ट राउंड में नहीं हूँ, चलो मैं अभी के लिए देखता हूँ की वो क्या करते हैं। वो जो पीपल होते हैं प्रेजेंट उस अरेना में उनमें से एक बोल रहा होता है की यहाँ से चले जाओ ये मेरा स्पॉट है, दूसरा बोल रहा होता है की तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी बाकी जो इंसान होते हैं वो एक इंसान को बोल रहे होते हैं क्या तुम उस गाय को नहीं हिला सक रहे हो उसकी पोजीशन से, वेल वो बहुत ही बड़ा होता है बाकियों के कंपैरिजन में। वो इंसान हंस रहा होता है। जो रेफरी होता है मतलब जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि जो राउंड वन है वो स्टार्ट होता है। लुजन बोलते हैं तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, ऐसे तो मार्शल आर्टिस्ट जो हैं जो रेड सर्कल के अंदर है उन्होंने अपनी जेन्युइन एनर्जी को रिलीज की है, पर मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूं यहां पे, और जो अरेना है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। वेल वर्चुअल डिजास्टर रियलम के जो वॉरियर्स होते थे वो कितने ज्यादा पावरफुल होते थे मिडिल डोमेन में, पर यहां पे कुछ भी नहीं है। वेल हर कोई इंसान के ऊपर कोई होता ही है पावरफुल, कभी खुद को ज्यादा बड़ा नहीं समझना चाहिए। लुजन सोच रहा होता है क्या कुछ ट्रिक्स हैं इस अरेना में और इस रेड सर्कल में। एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोल रहा था मैं बैट लगाता हूँ सबसे ज्यादा मस्कुलर के ऊपर वही विनर होगा, दूसरा इंसान बोल रहा था हाँ ये हमेशा फेमस ही होता है। लुजन बोलता है मुझे नहीं लगता ये सबसे पहले एलिमिनेट होगा। तो जो इंसान होते हैं जो उसको चेयर कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये बड़ा ज्यादा फेमस इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट है, तुम कौन हो, तुम बेवकूफ हो क्या? लुजन बोलता है ये मुश्किल है बताने के लिए, तुम देख ही सकते हो अगर तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो तो। फिर जो फाइट स्टार्ट होती है जो सभी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो उस बीच वाले मस्कुलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सभी मिक्स होके उसको पंच मारते हैं और वो उड़ के पीछे की तरफ जा रहा होता है अरेना के बाहर हो जाता है। जो बाकी मार्शल आर्टिस्ट बाहर प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे थे क्या हुआ ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट था ये एलिमिनेट कैसे हो गया, दूसरा बोल रहा था हाँ ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था लुजन को कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमने जो गेस किया वो सही था। चाओ बोलते है कि मुझे अब समझ आ गया जो रूल्स है डोजो में वो सिंपल है, पर अगर तुम्हें विनर बनना है तो तुम्हें स्ट्रेंथ के अलावा तुम्हें तेज दिमाग भी चाहिए। लुजन बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो। लुजन सोच रहा होता है कि ऐसे सिर्फ 3 ही पीपल रिमेन रह सकते हैं ग्रुप में, तो सभी की जो प्रायोरिटी होती है वो वीक वन को नहीं एलिमिनेट करना है पर जो स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसी को एलिमिनेट करना चाहते हैं सभी। अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिसिपेंट को स्टार्टिंग में रिमूव नहीं करोगे तो वो सबसे ज्यादा एडवांटेज में होंगे जब नंबर कम हो जाएंगे, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट को निकाल दो स्टार्टिंग से ही। फिर जो वीक वन है वो बड़े ज्यादा आसानी से फाइट कर सकते हैं फिर आपस में, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी उनको बाद के लिए। मुझे भी ऐसे कम स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा ताकि सभी मेरे ऊपर फोकस ना करें। फिर ऐसे फाइट हो रही होती है, मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को बाहर गिरा रहे होते हैं, काफी टाइम तक फाइट चलती है। जो अरेना होता है वो खाली हो जाता है और सिर्फ 6 पीपल ही बचे होते हैं, वो हाफ रहे होते हैं और उन सभी ने एक एक एज होती है वो कवर कर ली होती है। जो बाहर प्रेजेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये मूव क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बोल रहा होता है कि सिर्फ 3 ही विनर होंगे इन 6 में से, ये 50-50 चांस एलिमिनेट होने का, तो सभी ध्यान दे रहे हैं और कोई भी ऑफेंसिव की तरफ नहीं जा रहा है। तो एक बोलता तो ट्रायल का क्या होगा, क्या ये ऐसे रहेंगे? जो एल्डर होते वो सोच रहे होते सभी स्मॉल ट्रिक्स हैं, तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि हम कैसे डील करेंगे तुम्हारे साथ? फिर वो जो सर्कल होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लग पड़ता है। जो बाहर प्रेजेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि देखो ये रेड सर्कल तो छोटा हो रहा है, हाँ ये तो छोटा होता जा रहा है, और वो फिर फाइट करने लग पड़ते हैं और ऐसे ही मैच कंक्लूड होता है। वो फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बाहर फेंक रहे होते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वो दूसरे को उठा के बाहर फेंक देता है। तो जो एल्डर होते हैं वो बोलता है कि जो फर्स्ट राउंड है वो ओवर हो गया है, ये 3 जो है ये विनर्स हैं। वो तीनों चिल्लाते हैं जोर से खुशी के मारे। जो बाहर प्रेजेंट मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे होते हैं अच्छा ये ऐसे काम करता है, तो इसका ये नहीं मतलब कि जितने ज्यादा तुम फेमस होगे उतने ज्यादा तुम बुरे पोजीशन में होगे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते क्या इसका ये मतलब नहीं कि जो प्रिंस ऑफ यान है उसकी बहुत ज्यादा बुरी किस्मत है, कुछ मार्शल आर्टिस्ट एवरेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये जो ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने यंग एज में बड़ा ज्यादा कुछ पाया है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मार्शल आर्टिस्ट है यहाँ पे। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि सिर्फ जो वीकलिंग्स होती है वो ट्रिक्स के ऊपर फोकस करती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पावर को मैच कर सकते हो? फिर जो एल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं जो सेकंड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है, फिर वो नाम बोल रहे होते हैं बाउशिफान वानजुन गांग लूट
टियानजियान, लुओ टियानजिंग। लुजंग बोलता है, मेरी टर्न है। लुजंग सोच रहा था, किसी को मेरी एबिलिटीज के बारे में पता नहीं है, मैं सिर्फ एक मिड स्टेज वर्चुअल डिजास्टर रियलम का हूं, तो कोई भी मेरे ऊपर फोकस नहीं करेगा। फिर जो एल्डर होते वो लास्ट नाम बोलते हैं, जाओजी हुआ। ये सुन के सभी हैरान होते हैं, बोलते क्या। लुजंग पीछे की तरफ देख रहा होता है, बोलते क्या जाओजी हुआ, वो कौन है अब। वेल ऑफ प्रिंस ऑफ यान होता है, वो स्माइल करता है, बोलते ये मेरी टर्न है। जो रिंग में प्रेजेंट मार्शल आर्टिस्ट होते वो बोल रहे थे, नहीं मुझे नहीं लगता कि हम जो भी प्रेजेंट है यहाँ पे वो इसके खिलाफ कुछ कर पाएंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था, हाँ। लुजंग बोलता, अच्छा ये है प्रिंस ऑफ यान। जाओ अरेना में आ जाता है, बोलते सिर्फ एक ही पर्सन इस ट्रायल को पास करेगा, मैं बाकी सभी 29 को नॉकआउट कर दूंगा। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लुजंग सोच रहे थे, इतना बुरा नहीं है, ये बड़ा सा फेमस है और इतना ज्यादा खतरनाक एटीट्यूड है इसका, और इसने स्टार्टिंग से ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब सभी इसके ऊपर फोकस करेंगे। पर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये किसको पहले टारगेट करेगा। वो लुजंग की तरफ देखता है। लुजंग सोच रहा था, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। तभी लुजंग के पीछे से एक मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजंग एकदम से उसकी तरफ देखता है, वो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और वो लुजंग को पंच मारने लगा होता है। लुजंग उसके पंच को डोज कर लेता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो फिर से लुजंग की तरफ आ रहा होता है और बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लुजंग डोज कर लेता बड़ी आसानी से। लुजंग सोच रहा था, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, ये कम्प्लीटली डिफेंड नहीं कर रहा है, ये मेरे ऊपर अटैक ही करता जा रहा है। अगर कोई दूसरे इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, तो ये मेरे को एलिमिनेट क्यों करना चाहता है, ये तो अपनी विक्ट्री की कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है, मुझे लगता है इसको किसी ने ऑर्डर किया, यही हो सकता है कि इसको ऑर्डर किया किसी ने। लुजंग सोचता है, मुझे मत बोलना। वो प्रिंस ऑफ यान की तरफ देखता है और बोलता और सोच रहा था, क्या ये प्रिंस ऑफ यान है। प्रिंस ऑफ यान लुजंग की तरफ देखता है और स्माइल कर रहा होता है। लुजंग सोचता है, अच्छा तो ये है वो जो ऑर्डर कर रहा है इसको मेरे से फाइट करने के लिए, इसका क्या प्लान होगा, क्या ये मेरी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता है। ऐसे फाइट्स कंटिन्यू हो रही होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं प्रेजेंट, वो बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रिंस ऑफ यान को कोई भी अटैक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ऐसे खड़ा हुआ है। तो एक बोल रहा था, जो प्रिंस ऑफ यान है उसका जो फेम है वो वेल डिजर्व्ड है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है यंगर जनरेशन में, सिर्फ जो क्राउन प्रिंस है और ज़ाओ डाओ है जो कि जीनियसेस हैं, हेमिंग डो जो कि वही इसके मैच हो सकते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था, देखो जो प्रिंस ऑफ यान है वो किसी की तरफ देख रहा है और वो कोई स्ट्रेंजर है, अब वो कैसा इंसान है। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि वो कर भी कह सकते हैं, वो तो ऐसे सर्कल में भाग रहा है बिना फाइट के, ये कितनी ज्यादा शेमफुल बात है। एक मार्शल आर्टिस्ट और वहाँ पे आ जाता है, वो बोलते शेमफुल। उसके पीछे एक लेट वर्चुअल डिजास्टर एलम का मार्शल आर्टिस्ट पड़ा हुआ है इतने ज्यादा लंबे टाइम से, पर उसका ओपोनेंट उसे टच भी नहीं कर पा रहा है। अगर तुम्हें ये एम्बैरेसिंग लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि क्या एम्बैरेसिंग है। और बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं, ये कौन है अब, ये सही बोल रहा है। तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि चुप रहो, ये जहान जान है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है यंगर जनरेशन में और यूज वन डोजो का है। ये प्रिंस ऑफ युआन का फर्स्ट एचिलोन है, सिर्फ चार ही है काफी ज्यादा वर्चुअल डिजास्टर एलम के मार्शल आर्टिस्ट में जो फर्स्ट एचिलोन में एंटर हो सकते हैं, बाकी जो 36 है वो सेकंड एचिलोन में है। एक पर्सन के पास थर्ड एचिलोन की एबिलिटीज होनी चाहिए ताकि ये उन्हें नोटिस कर सके। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था, वेल एचिलोन तो मैं ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल मान सकते हैं जैसे फर्स्ट में ज्यादा पावरफुल, सेकंड में कम और थर्ड में उससे कम। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि जैसे तुम बोल रहे हो, इसका क्या मतलब, ये स्ट्रेंजर कुछ ज्यादा अच्छा है, इसका नाम क्या है। लुओ टियानजिन। लुजंग ऐसे मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं तो इसको शेक ही नहीं कर पा रहा हूँ और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में, ऐसे नहीं कर सकते। फिर लुजंग स्माइल करता और भाग के प्रिंस ऑफ यान की तरफ जा रहा होता है। वो प्रिंस ऑफ यान की तरफ पंच करने लगा होता है थ्रो। प्रिंस ऑफ यान एकदम से उसे नोटिस करता है और अपना अटैक यूज करता है, और वो जो अटैक होता है वो उस वॉरियर को लगता है और वो वॉरियर उड़ के सर्कल के बाहर चला जाता है। वेल उसने अटैक तो लुजंग की तरफ किया होता है, वेल पर लुजंग शायद स्पेस ऑफ लॉ को यूज करके दूसरी तरफ पहुंच गया होता है। लुजंग बोलता है, नाइस एक बार चला गया। प्रिंस ऑफ यान सोच रहा होता है कि मैं लुओ टियानजिन की तरफ अटैक कर रहा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि सभी को पता है कि प्रिंस ऑफ यान ये जो इस ट्रायल को पास करेगा, ये इसको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं और जो रिमेनिंग स्पॉट है उसके लिए फाइट कर रहे हैं। एक बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि जो लुओ टियानजिन है उसकी आंखें भी जीतने के ऊपर है, उसके पास भी अच्छा पोटेंशियल है और ऐसा लग रहा है कि इसने रूल ऑफ स्पेस की सेकंड लेयर को मास्टर किया हुआ है। बड़ा ज्यादा रेयर है कि ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट में। मैं यही होप करता हूँ कि ये ट्रायल को पास करेगा, पर प्रिंस ऑफ यान इसे ऐसे नहीं जाने देगा। तो दूसरा बोलता, हाँ। लुजंग एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी एल्बो से मारता, वो उड़ के बाहर निकल जाता है। सिर्फ 5 बचे होते हैं। जो रेड सर्कल होता है वो श्रिंक करने लगा होता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है रिटर्निंग फेस, दूसरा हर्ट शैटर पाम को यूज करता है। उन दोनों का क्लैश होता है आपस में। लुजंग एक की तरफ देख रहा होता है मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। वो बोल रहा होता है कि अगर प्रिंस ऑफ यान तुमसे डील करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा। वो लुजंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो गाइस चैप्टर नंबर 186 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।